500 baht for you. पांच लाख भी कमा सकते हैं 2 hours में. Good day from Hua Hin. थाईलैंड में लोग हफ्ते और इतवार को स्टॉल्स लगाते हैं डिफरेंट मार्केट्स में. तो आज हम भी स्टॉल लगाते हैं और देखते हैं कि कितने पैसे कमाते हैं, किस तरह कमाते हैं. तो आज इंशाल्लाह इसी वीडियो में आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करता हूँ. आज हमारे भी स्टॉल का इरादा है, तो ये सारी चीज़ें हमने कार में रखी हुई है. तो अभी मार्केट जाते हैं और स्टॉल लगाते हैं. अभी यहाँ बारिश हो रही है, थोड़ा वेट करते हैं, उसके बाद फिर स्टॉल लगाते हैं. माशाल्लाह हमारा स्टॉल कंप्लीट हो गया है. ये छोटा सा हमारा स्टॉल है. ये सारे लोग अभी लगे हुए हैं स्टॉल तैयार करने में. अभी कस्टमर शुरू हो जाएंगे. ये रहे पहले कस्टमर. ज़्यादातर ज्वेलरी ये खुद बनाती है यहाँ पर. अभी फ्री टाइम है तो ये ज्वेलरी बना रही है. कस्टमर ने 469 बाट का परचेज किया. सी
500 baht for you. I gave her 40 baht. 500 baht. I'll discount for you. No worries. If you buy more than 1000 baht. कस्टमर ने 535 बार का परचेस कर लिया, ये सारे छोटे छोटे स्टॉल्स है और ये फूड एरिया है। ज़्यादातर लोग यह पे स्कैन करते हैं, स्कैन हो गया 700 बार्ट का, इसने शॉपिंग कर लिया। बस स्टॉल अभी हम क्लोज करने वाले, तो ये आज हमने इतना सेल कर दिया, आप लोग देख सकते हैं 83, 350, 96, 600, 620। तो ये पाकिस्तानी ऑलमोस्ट बनते 30,000 तक। लेकिन अगर आप लोग यहाँ स्टॉल ओपन करते हो और आपके आइटम्स ब्रांडेड है, डिफरेंट मुल्क के आइटम्स होते हैं, तो आप लोग यहाँ पाकिस्तानी 5 लाख भी कमा सकते हैं 2 आवर्स में। और ये लोग सारे कमा रहे हैं। ये पिछले दिन का आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, ये पिछले दिन का था 27,000 बाग। तो ये यहाँ पे लोग इस तरह सेव करते हैं, लोग लाखों में कमा रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग and subscribe for more informative video. Jazakallah.